September 17. बहुत कुछ हुआ था कि आज एक स्पेशल डे है। आज का दिन इतना स्पेशल क्यों है यार? आज यही बोलेगा मैं चुप हो जाती हूँ। Hey guys, good morning and welcome back to our channel Rainbow Sugar Adi Promi Vlogs। तो guys सुबह सुबह हम लोग उठ चुके हैं और अगर आप लोगों को सुनाई दे रहा है तो बोलो कि आस पास में ना बहुत ज्यादा गाना बज रहा है क्योंकि आज विश्वकर्मा पूजा। तो अभी जो है आप लोग को बता दूं कि आज एक स्पेशल डे है। हाँ तुम सब कुछ बताओ, इधर में नहीं बताएंगे। बट क्या स्पेशल है क्या नहीं है सब कुछ थोड़ा हिडन रखते हैं। अभी ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले जो हम दोनों को नहीं जानते उनके लिए बता दूं, ये है प्रोमी द बंगाली गर्ल और आदि, और आप देख रहे हो रेनबो शुगर आदि प्रोमी ब्लॉग। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर दो सब्सक्राइब। और अगर हम आप लोग हम दोनों से बेहद बे इंतहा मोहब्बत करते हो तो आप लोग जाके हम लोग को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो गाइस। तो गाइस मुझे एक बात बताना है कि हम लोग ब्लॉग नहीं कर पाए, इसका मम्मी का बर्थडे था, मेरा मम्मी का बर्थडे थी, तो हम लोग ना ब्लॉग ही नहीं कर पाए। तो हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन किया है, मतलब केक कटिंग वगैरह ये सब किया है, सब कुछ ही हुआ है। तो उसका कुछ फोटो आते तो पकड़ते क्यों तुम? चलो बोलो। हाँ तो यही बताने की कोशिश कर रहा था कि ब्लॉग ब्लॉग कुछ नहीं हुआ है गाइस। गाइस क्या करें, और गाइस हम दोनों का आग देख के क्या लग रहा है? अभी अभी नींद से उठे नहीं, कल रात तो हम लोग नहीं मतलब सो ही नहीं थे। हाँ क्यों? हम दोनों के बीच में हो रहा था बेसुमार झगड़ा। हाँ गाइस बहुत ज्यादा झगड़ा वगड़ा सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद फिर मैंने इसको मार के इसके आंख फुला दिया, फिर इसने मुझे मार के मेरा दांत तोड़ दिया। ऐसा नहीं हुआ था, बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो गाइस चलो अभी नीचे चलते हैं और नीचे जाके खाना वाना खाते हैं, चाय वाय पीते हैं। चलो फिर बहुत और क्या भी है तुमको, सिर्फ चाय पीते हैं। गाइस आज स्पेशली आदि ब्लॉग करेगा, आदि सब आदि आदि, और आज का ब्लॉग आप लोग देखना कि कितना बढ़िया होगा क्योंकि आदि सब लोग देख रहे हैं कितने हिला रहे हो फोन को तुम। ओके तो क्या करना है आप लोगों को? सब्सक्राइब करना तो है, और क्या करना है? कमेंट। और क्या करना है? मैं बहुत आहिस्ते बोल रहा हूँ। और क्या करना है आप लोगों को? कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और ढेर सारा प्यार देना है सब्सक्राइब करके। शादी आज मेरे लिए चाय बनाया है, बहुत दिन बाद ये मेरे लिए सुबह सुबह चाय बनाया है क्योंकि मैं रोज बनाती हूँ और आज देखा कि आदि बना रहा है तो मैंने थोड़ा ले लिया है। और ये है इधर पे अंशु। हाय हाय। तो बोलो कैसे हो सब लोग? कैसे हो तुम लोग? तो अभी आएगा मेरे लिए चाय, तो चलो चाय पीते हैं गाइस। ये देखो बहुत मुश्किल से ये लेके आ गया है मेरे लिए चाय, रखो इधर पे। मिमी का भी यस, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम मैडम। तो चलो गाइस चाय पी लेते हैं हम लोग। इतना ज्यादा चपड़ चपड़ करता है मेरे जैसा ही है ये, बोल दिया है सब कुछ बोल दिया है ये। अच्छा तुम बोलो कुछ। बहुत दिन बाद मेरे लिए चाय बनाया। बहुत दिन बाद मैंने चाय बनाया। हाँ ये तो मैंने बहुत दिन बाद बनाया, तुम ही बना के खिलाती हो और आजकल तुम इतना अच्छा चाय बनाती है क्या बताओ कि मुझे बनाने का मन ही नहीं करता। तो गाइस अभी चाय पी लेते हैं फिर मिलते हैं आप। यस चलो गाइस कोको को देखो नहा दिया है मैंने और अभी इसका मतलब आज ना वेदर बहुत खराब जा रहा है कभी दिन से, तो इसका मुंह देखो ये सोच रहा है कि यार आज ही मुझे नहाना था। कोको कितना क्यूट सा लग रहा है इसको। बेबी बॉय, ओ बेबी बॉय। तो गाइस बाद में मिलते हैं जब हम लोग एकदम फ्रेश वगैरह हो जाएंगे, तब अभी कोको का हो गया है अभी हम लोग हो गए।
फाइनली हम लोग ने नहा लिया है, देखो एकदम फ्रेश होके आ गए हैं। हाँ, और अभी जाएंगे पूजा के वहाँ पे और आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या हो रहा है पूजा। तुम तो मौन व्रत रख के क्यों बैठी हो? नहीं, कोको मौन व्रत रखी है क्योंकि ये नहला दिया ना, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसे करके बैठे। क्या हो गया तुमको? नहीं, उधर से मैं दिख नहीं रहा था ठीक से। तुम बहुत ज्यादा क्या बोलता है, फर्शा फर्शा हो तो तुमको दिखेगा। अरे यार, हर ब्लॉग में यही बोलती रहती है। तो गाइस चलो, अभी पता नहीं क्या करेंगे। क्या करेंगे? अभी पूजा के वहां पे जाएंगे। यार कितनी बार बताओ, तुम भूल जाती है। और गाइस, ये पीछे जो बलून आपको दिख रहे हैं वो मुरझाई नहीं रहे हैं, इसीलिए हम खोल भी नहीं रहे हैं। जब तक ये नहीं मुरझाएंगे तब तक हम नहीं खोलेंगे। ठीक, चलो आजा कोको। हाय गाइस, आज मम्मी ने मेरे को नहला दिया है और मैं मम्मी से बहुत गुस्सा हूँ। तो ये है हमारे सेकंड फ्लोर का विश्वकर्मा पूजा। आज हमारे घर पे हमारे फैक्ट्री पे चार चार विश्वकर्मा पूजा हो रहा है, चार चार सेक्शन में। और ये है हमारे थर्ड फ्लोर का विश्वकर्मा पूजा जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, चार चार विश्वकर्मा पूजा हो रहा है, तो फर्स्ट फ्लोर का नहीं ले पाया मैं, ने गया ही नहीं था एक्चुअली। और ये है हमारे लास्ट एंड फाइनल फोर्थ फ्लोर का विश्वकर्मा पूजा जो सबसे ज़्यादा बड़ा करके हो रहा था और बहुत सारे लोग आए हुए थे इनका, तो इधर पे बहुत ज़्यादा मस्ती हो रहा था जैसे कि मैंने देखा। सब लोग देख सकते हो। बोलो कहाँ से आया, बोलो। ये एक अंकल ने देखे गया है, उसके फैक्ट्री में पूजा हुआ था उस चीज़ का। तो अभी मिष्टी खा लेते, आप लोग भी खाओ। तो मेरा ये पसंद आया है तो मैं ये खाऊँगी। और इधर पे है भिखारी, सबसे बड़ा भिखारी। दो कोको को दो थोड़ा। तो चलो गाइस, थोड़ा हम लोग ये खा लेते हैं। नहीं खाएगा लगता है। एकदम फुल मूड में है। अभी होगा, क्या होगा जाना, ये अंडा करी बन रहा है यार। अंडा करी, ऑमलेट करी बनेगा, ऑमलेट करी। और इधर पे चल रहा है जोर का कान, इसीलिए बात नहीं कर पा रहा है। कितने सारे मिठाई आ चुके हैं ऑलरेडी और अभी भी आने बाकी है गाइस, देखते जाओ आगे आगे। गाइस मैंने तो लंच बनाया था बट फिर भी ऊपर से कि हमारे जो फोर्थ फ्लोर पे पूजा हो रहा था वहां से हमारे लिए बहुत सारे खाने आ गए थे, तो वही सब हम लोग खा रहे थे। फाइनली मेरे गाड़ी का पूजा हो गया है और ये मेरा ओल्ड गाड़ी जिसका भी पूजा हो चुका है, और ये हमारा कार जिसका भी पूजा हो चुका है। हेलो गाइस, तो हम लोग वापस आ चुके हैं अपनी आरामदायक नींद कंप्लीट करके, है ना। अरे इतना रात हो चुका है क्या बताओ। नहीं, हम लोग नींद से तो उठ चुके थे बट जो मिठाइयां आई थी ना उस पे हमला करने गए थे यार, और उस टाइम वीडियो भी नहीं बना पाए, शिट। फिर प्रोमी की मम्मी भी आई थी और उन्होंने भी कुछ लड्डू लड्डू से याद आया, मैंने लड्डू नहीं खाया अभी तक। बाद में खा लेना, ब्लॉक कर रहा। अरे यार ठीक है, कोई बात नहीं, चलो लड्डू थोड़ी देर बाद खा लेंगे, बट आप लोग से बात करना जरूरी है। और गाइस, फोन इसके हाथ में है तो इतना उतना हिलेगा ही, ठीक है। बोलो अभी बोलो। नहीं, नहीं, मैं स्टैचू हो जाता हूँ। नहीं बोलो, तुम किसी ने कमेंट किया है तुमको बोलने ही नहीं देती हूँ मैं। बोलो, आज यही बोलेगा मैं चुप हो जाती हूँ। नहीं, तब तो मेरा दिल बहुत दुखेगा यार, तुम चुप हो जाओगी तो। ठीक है, बात जो असली बात करना है वो बताओ पहले। हाँ बात करनी है गाइस, बात करनी है आप लोगों से। बात यही करनी है कि मैंने सुबह को आप लोगों को बताया था कि आज का दिन बहुत ज्यादा स्पेशल है।
क्यों स्पेशल है ये नहीं बताया था। हाँ, सारा दिन ना हम लोग मतलब इतना ज्यादा इधर उधर चल रहा था कि बताना ही नहीं हुआ। हाँ, इसी हम लोग बता ही नहीं पाए कि आज का दिन इतना स्पेशल क्यों है यार। मतलब स्पेशल इसलिए है, वेट नहीं हो रहा है ना सुनने के लिए, बंद ऐसे हो रहा है आप लोगों का। अभी अभी बता दोगे? अभी बता दू? नहीं, एक मिनट रुक जाओ यार, थोड़ी देर बाद बताता हूँ। आई नो गाइज, आप लोग मजा आ रहा था कि अब आदि बताएगा, अब आदि बताएगा, आदि भैया अब बताएगा। नहीं, इन लोगों को पसंद है वीडियो में बहुत ज्यादा लंबा जाए। अच्छा, ये तो मुझे भी पता है, बहुत सारा कमेंट्स मैंने देख लिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, एनीवेज गाइज बताते हैं, थोड़ा सब्र तो रखो, बताएंगे जरूर बताएंगे। तो गाइस, बट स्पेशल कुछ कर नहीं पाए, यही बताना है मुझे कि आज है 17 सितंबर। बहुत कुछ हुआ था एंड शर्म आ रही वो सब नहीं बताएंगे, बस एक हिंट देंगे आप लोग, हिंट नहीं पूरा ही बताएंगे, बाकी सब कुछ तो थोड़ा थोड़ी बता सकते हैं, इतना कुछ थोड़ी बताया जा सकता है यार। बता दो। नहीं नहीं, इतना भी नहीं बता सकते, थोड़ा शर्म मुझे भी आ रहा है यार। एनीवेज, जैसे कोई मूवी चल रहा है, बोल ही नहीं रहा है, हम लोग बोल ही नहीं रहे हो, बोलो। बोल देंगे यार, ऐसा कुछ हुआ ही था कि इतना स्पेशल था, और हर साल हम लोग मनाते हैं, बट इस साल नहीं मनाए, मैं घर से बाहर ही नहीं गया इसलिए कुछ अरेंजमेंट कर ही नहीं पाया। रियली सॉरी फॉर दैट बेबी, इट्स ओके। तुमको भी सॉरी बोलना चाहिए। क्यों? तुमने भी तो कुछ नहीं किया यार। ये एक मिनट, अच्छा, तुम्हारे लिए अच्छा है तो इसीलिए ये करते हैं, ठीक है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी तुम ज्यादा हिंट मत दो इन लोगों को, ठीक है ना? अरे बताइए, सबको इतना हिंट दे दोगे तो सब समझ ही जाएंगे। सब लोग अभी कमेंट्स में बोलेगा कि यार झूठी मुठी ऐसे बोल रहे हो बातें, कुछ भी नहीं था। नहीं था, सच में था। अभी आप लोग को मैं दिखा भी नहीं सकता, उस हम लोग पहले रेस्टोरेंट वगैरह जाते थे या फिर पेस्ट्री लाके कट करते थे, ठीक है, केक वेक नहीं कट करते थे, बट छोटा सा पेस्ट्री लाके हम लोग इंजॉय करते थे। स्पेशल है, बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, लेकिन क्या बताओ उतना भी नहीं है। नहीं उतना भी है, आप लोगों के लिए शायद नहीं होगा, मतलब आप लोगों को सुन के शायद ऐसा नहीं लगेगा कि इतना भी स्पेशल नहीं था यार, बट मेरे लिए और इसके लिए, हम दोनों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो बता, वो घड़ी आ चुकी है जब मैं रिवील करने वाला हूँ कि क्यों आज का दिन इतना स्पेशल है हम दोनों के लिए। रेडी? हाँ। 3 2 1 गो। बोलो ना। तो गाइज, आज का दिन स्पेशल इसीलिए है क्योंकि आज के दिन से प्रोमी मेरे साथ रहना स्टार्ट कर दिया था, इस रूम पे परमानेंटली। ये बहुत लड़ाइयां करने के बाद गाइज, अपने फैमिली से, अपने सबसे बहुत झगड़े लड़ाई होने के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना स्टार्ट कर दिए थे। मतलब घर पे मैं बोल दिया था मैं इधर भी रहा हूँ, मतलब इधर इसके साथ ही रहना है मुझे ऐसा, और मैंने भी अपने घर पे बोल दिया था कि प्रोमी आज से मेरे घर इधर ही रहेगी। हाँ, तो यही था गाइज, देखो आप लोगों के लिए शायद छोटा मोटा होगा, लेकिन हम नहीं, मुझे इतना तो विश्वास है अपने फैमिली पे, अपने YouTube फैमिली पे मुझे इतना विश्वास तो है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि उन लोगों को ये चीज अच्छा नहीं लगेगा। और आई नो गाइज, आप लोग मेरा विश्वास रखो। और गाइज, आप लोग बोलोगे कि लिविंग तो आप लोग ने स्टार्ट किया था ऐसे वैसे, देखो लिविंग वैसे मतलब लिविंग जो परमानेंट लिविंग, तो ये ना आज के दिन से स्टार्ट हुआ था। वैसे तो मैं इधर उधर करके मतलब तब क्या होता था, तो आप लोगों को पता ही है कि छुप छुप के इधर उधर रह जाते थे ऐसे करके, लेकिन परमानेंटली घर पे बता के एकदम बिल्कुल डट के। यस, तो यही था स्पेशल आज का दिन। तो थैंक यू गाइज ये मौका देने के लिए हम दोनों को, कि हम लोग ये सब चीजें आप लोग के साथ शेयर कर पाए, और बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग शेयर भी करते हैं, क्योंकि यू नो गाइज के क्या बताओ कि इतने ज्यादा फ्रेंड्स हम लोग हैं नहीं हमारे पास, और गाइस तब तो हम दोनों के पास आप लोग भी नहीं थे, आप लोग भी नहीं थे, शेयर भी नहीं कर पाता था किसी से अपनी खुशी, तो हम दोनों छुप छुप के मिलके दोनों रात को छोटा सा पेस्ट्री लाके हम लोग पी के क्या मतलब इमेज कुछ अगर होगा मेरे पास तो पक्का मैं इस पे दिखा दूंगा यहाँ पे, और अगर नहीं होगा तो आई एम रियली सॉरी। बहुत साल पहले की बात है, बहुत साल नहीं बट फिर भी मतलब बहुत साल है, हम लोग इधर पे मतलब कितने साल से मैं इधर पे रह रही हूँ, 4 साल पहले का बात है, 5 साल पहले का अगर पिक मिल जाता है तो ऐसे ऐसे मोमेंट्स का पिक
आई थिंक मिल जाएगा। इतना खुशी हुआ था ना उस दिन रात में, क्या बताऊं गाइस, जब झगड़ा वगड़ा करके इसके साथ में इधर पे आ गई हूँ, इस रूम पे मैंने घुसा तो देखो मतलब जानते तो थे इस रूम को, मतलब तब तो अलग ही एक था ना कि इस रूम पे मैंने घुस गया है अभी। yes! बस अब ये रूम सिर्फ मेरा मतलब कपड़ा दोनों का है। हाँ, कपड़ा वपड़ा लेके आ गया था, बहुत ज्यादा नहीं लाया था, कुछ कुछ लग लेके आ गया था। यस, एंड एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, इधर तो हमारे खुशी के ठिकाने नहीं रहे थे उस दिन का, ये बात है। और एक और बात कि आई नो गाइस बहुत लोगों के दिल दुखाए होंगे हम दोनों ने, बट अपना जो एक सुकून जो मिला था ना एक दूसरे का सहने का, ये सबसे परे है एकदम, ठीक है। और आज के डेट पे शायद जिन लोगों को हमने दिल दुखाया था वो लोग भूल भी गए हैं। हाँ। और वो क्यों पता है? हमारे व्यवहार से, ठीक है। हम लोग किसी से इतना कभी खराब बिहेव किया ही नहीं है कि वो लोग कुछ याद रख पाए। गाइस मैं, मुझे पता है कि मेरी मम्मी ने बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था, मतलब मेरी मम्मी ऐसा है कि मतलब क्या बोलता है बंगाली में एक बात है ना कि आमा का छाड़ा चौले ना, वैसे हिंदी में बोल दो थोड़ा। हाँ, मतलब इसकी मतलब इनकी इसकी जो मम्मी है तो ये ना बिल्कुल भी इसके बिना नहीं रह पाती है, चाहे उनको कई और भी रहला दो रह लेगी, बट इसके बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। मैं बहुत ज्यादा रोई थी, मतलब ये बोल रहा था कि नहीं तू वापस चला ऐसा मत कर। देखो आस पास भी घर है फिर भी क्या कर सकते है, लेकिन अभी मैं जब घर जाती हूँ मेरी मम्मी मुझे पूछता है कब जाएगा, नहीं जाएगा अभी, कब जाओगी? अभी देखो अभी मतलब पूरा एकदम सब कुछ एकदम चेंज हो गया है। हाँ। मतलब वक्त बदल दिया, जो भी हालात बदल दिए, जो भी कपड़ा वपड़ा खरीदते हैं ना तो मम्मी बोलते अरे ये लेके जाओ उधर पे, इधर पे जाकर नहीं है तेरे लिए, ऐसे करके बोल देते। ये बहुत ज्यादा टेंशन होता रहता है। ये बहुत जेन्युइन बात है यार, किसी भी मम्मी पापा को ये चीज फील तो होना ही होना है कि अपना बच्चा इतना दूर रहेगा मेरे से, क्या खाएगा, टाइम से खाएगा कि नहीं, ठीक से ध्यान रख पाएगा कि नहीं उसका, इस सब का चिंता तो होता ही रहता था। लेकिन गाइस एक बात बताना है, देखो शादी अगर करेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन अभी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मेरी घर पे भी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके घर पे भी नहीं है। अगर हम लोग शादी ना करें तो ऐसे भी हम लोग रह सकते हैं, बट हम शादी करेंगे। हाँ, ये तो करेंगे, लेकिन मैं शादी करना चाहता हूँ यार, मुझे शादी का बड़ा शौक है। ओके, तो गाइस ये तो मैंने हम लोग ने बता दिया कि स्पेशल डे यही था, और आप लोग भी कमेंट्स पे बताओ कि आप लोगों का स्पेशल डे कौन सा थे, ठीक है। और अभी पढ़ेंगे हम लोग कमेंट्स पढ़ेंगे। तो गाइस चेंज हो चुका है, ठीक है, बोलो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो जिसने पूछा है कि फैक्ट्री में घर है या घर में फैक्ट्री है, तो घर में फैक्ट्री क्यों बनाया या फिर फैक्ट्री में घर क्यों बनाया, तो इसका आंसर मैं बहुत सिंपली दे देता हूँ आपको कि हम लोग का एक दूसरा घर भी है जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे, बट अभी वहाँ पे नहीं रहते, यहाँ पे चले आए थे कुछ रीजन की वजह से, वो कभी शेयर करेंगे अगर मौका मिलेगा तो ये बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा पर्सनल है, ये मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, ये फैमिली मैटर है। तो हम लोग उधर से, मेरे पापा का फैक्ट्री था तो उधर पे आ गए थे, तब हम लोग बहुत एडजस्ट करके रहते थे, एक ही रूम में रहते थे जहाँ पे मैंने दिखाया, मतलब ये पहले फैक्ट्री थे। स्टोरी, ये फैक्ट्री है। हाँ, यही बताओ तुम। हाँ, ये फैक्ट्री है, यही मैं बता रहा हूँ कि ये फैक्ट्री है जहाँ पे हम लोग आए थे, आके फिर हम लोग बहुत एडजस्ट करके एक ही रूम पे रहते, जहाँ मैंने आप लोगों को दिखाया था हॉरर वाला स्टोरी मेरा, वहां पे रहते थे पहले, फिर पापा ने आहिस्ता आहिस्ता एक दो रूम इधर उधर करके बनाया था, बट बेसिकली तो ये एक फैक्ट्री है ना, तो फैक्ट्री के लिए जगह बनाना ही पड़ता पापा को। फिर तो कोरोना के बाद सब बंद हो गया, हम लोग ने सब भाड़े पे दे दिया अभी, तो यही रीजन है कि हम लोग फैक्ट्री में अपना घर बना के रहते हैं। और गाइस मुझे दो बात बोलना है, ठीक है, दो बात ही बोलेंगे। तो पहला ये है कि इसका भैया का नाम क्या है, सब लोग पूछते रहते हो, तो इसका भैया का नाम है अर्पण चैटर्जी, ठीक है, अर्पण चैटर्जी, अरिजीत सिंह नहीं है नाम, सब लोग बोलते हो ये अर्पण चैटर्जी है। और दूसरा बात ये है कि आप लोगों को एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि कितना सारा बाथरूम है इसके घर पे, तो गाइस मैं बता देती हूँ, क्या बोलते हैं, भेजा तुमने, तुम बोलो कितना सारा बाथरूम है, तुमको तो पता ही है, बता दो, तुम बताओ, एक मिनट। तो हमारे घर में टोटल कुल मिला के 9 बाथरूम है, 9 बाथरूम्स, 9 वॉशरूम्स, और एक कर लेते 10 हो जाता है, 10 हो जाता, वो मैं कर लूंगा, तुम्हारे पसंद का, ठीक है, लंबा हो जा रहा है, फिर से तुम ये करो। अच्छा, तुमने भेजा है, भेज दिया है सब कुछ।
स्टार्ट करते हैं कमेंट्स पढ़ना। यस ठीक है पढ़ो। बड़ा अच्छा लगता है ये वाला सेक्शन जब आता है मुझे बड़ा मजा आता है। तो चलो सबसे पहला कमेंट जिसका पढ़ेंगे उसका नाम है ज्योति मुंडलिक 380। लास्ट ब्लॉग में आप दोनों बहुत ही परेशान थे और बहुत टेंशन में भी थे। अब इस ब्लॉग में आपको खुश देखकर बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते अच्छे लगते हो यार, ऐसे ही रहा करो, हमें भी अच्छा लगता है आपको खुश देखकर। लव यू बोथ। थैंक यू सो मच ज्योति। और मैं इस बात पे आपको बस यही बताना चाहूंगा कि ये जो आप लोग कमेंट करते ना यही रीजन है हमारे खुश होने का। तो चलो इस बात पे चलते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। नेक्स्ट कमेंट कहाँ है? Oh my God! Oh my God! थोड़ा टाइम लगेगा गाइस, एडजस्ट। नेक्स्ट कमेंट इज फ्रॉम दिव्या एंजल 77001। OMG ऐसा है, ये YouTube वाले उन लोग का वीडियो क्यों नहीं डिलीट करता जो करता है जो बीप बीप आलतू फालतू ब्लॉग कुछ भी बनाकर YouTube पे डाल रहे हैं। उन लोग का वीडियो सबको देखने के लिए वायरल करता है, बट जो सच में बहुत अच्छा है उन्हीं का वीडियो क्यों डिलीट करता है फालतू का रीजन दिखाकर? पता नहीं। आदिप्रोमे चैनल इज द बेस्ट चैनल क्योंकि यहाँ हर चीज है, कॉमेडी, प्रैंक, नॉलेजेबल वीडियो, फनी वीडियो एंड मच मोर। फिर भी यूट्यूब को पता नहीं क्यों बीप कुछ क्यों नहीं दिखता है। प्लीज यूट्यूब इनके वीडियो ठीक से देखो और प्लीज इनकी वीडियो डिलीट मत करो। इतने सारे हाथ जोड़ने वाला इमोजी, फिर वाला इमोजी, फिर लव वाला इमोजी। तो तुमने इतना मतलब कुछ और बोला लिखा है ना, इसमें से तो सरासर समझ में आता है कि कितना ज्यादा तुम भी गुस्सा हुए होंगे। और तुम्हारा जो ये मतलब गुस्सा है ना, ये सेम टू सेम मुझे भी इतना ही ज्यादा गुस्सा आया था कि कितने लोग हैं ऐसे कि आलतू के फालतू के ब्लॉग्स बना के डाल देते हैं और उनके वीडियोस वायरल कर देते हैं। पता नहीं क्या यार, इन लोग का सिस्टम समझ में नहीं आता। आप क्या ही कर सकते हैं यार, अपना नसीब ही खराब है यार। चलो ठीक है नेक्स्ट पे। बाय द वे थैंक यू सो मच दिव्या इतना स्वीट सा कमेंट करने के लिए, धमाकेदार एक्चुअली। हाँ नेक्स्ट कमेंट इज फ्रॉम मितुक अलिता 1535। चलो डोंट वरी यार, मैं जाए यूट्यूब हमको दिखना है सिर्फ। डोंट वरी यार, मैं जाए यूट्यूब हमको देखना है सिर्फ आपको वीडियो, आपका वीडियो वीडियो बनाते जाओ, यूट्यूब ही भी थक जाएगी, हम लोग तो है ही आप लोग के लिए। लव फ्रॉम आसाम। थैंक यू सो मच मितुक, थैंक यू सो मच। बहुत ही स्वीट लगा यार तुम्हारा कमेंट। नेक्स्ट कमेंट इज फ्रॉम आज प्रोमी ने बहुत सारा कमेंट लिया है यार और सब लंबे लंबे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ मैं। तुम बहुत ज्यादा बोल रहे, तुम पढ़ते रहो। ओके नेक्स्ट इज फ्रॉम रेनू बाला साहू 5142। आदि भाई एंड प्रोमी दी, आप दोनों हम सब एक फैमिली है, तो फैमिली फैमिली को सपोर्ट नहीं करेगा तो और कौन करेगा। एकदम सही बात बोला है भाई, आप लोग हमारे फैमिली और हम लोग जितना भी दुखी हो जाए आप लोग के कमेंट पढ़ के हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ठीक है और कोई बात नहीं, घर तो देख लिया आपका, बस आपके साथ मिलने का मन करता है, लेकिन हम बहुत छोटे हैं और सुंदर घर से है, तो जब तक जब में तक तकदीर में लिखा होगा तो जरूर एक बार आपसे हम मिलेंगे। लव यू बोथ, लव यू टू रेनू जी, थैंक यू सो मच। जरूर मिलेंगे यार, कभी ना कभी तो जरूर मिलेंगे, कभी ना कभी तो। सॉरी ममता यादव, ये हुई ना कुछ बात, आप लोगों के फेस पे स्माइल तो आया, पिछले ब्लॉग में आप दोनों इतना टेंशन में थे अच्छा नहीं लग रहा था, और आजकल प्रोमी जी आप तो आदि भाई कुछ बोलने ही नहीं देती है, बेचारे को चुप करा देती है, यही सब आप लोग का नोक झोंक बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, आप दोनों की चेहरे की खुशी हमेशा ऐसे ही बने रहे। राधे 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 ममता जी एंड थैंक यू सो मच। इतना सा मतलब क्या है यार, दिल खुश कर देते हो आप लोग। Alright guys, so next comment is from Mishtu Datta 97। चालिए जाओ, थामले हवे ना, आमरा सबाई चाई तुमरा आरो अनेक एगिए जाओ, सब समय पासे आछी थाकबो, आर बौदी सब समय आदिके एइभावे सपोर्ट करे जाओ, बस तुमी थाकले भाईयेर आर कोनो चिंता नहीं, खूब ताड़ाताड़ी आमरा 50K सेलिब्रेशन वीडियो देखबो, फेवरेट कपल। थैंक यू मिस्टू, थैंक यू सो मच फॉर दिस कमेंट। 50K देखते हैं सपना है अभी।
ओके नेक्स्ट कमेंट इज फ्रॉम श्वेता शॉ 7010। आदि भैया प्रोमी प्रोमो नहीं प्रोमी, प्रोमी बोलो प्रोमी दीदी सच बोली आपका घर तो भुलभुलैया है। और ये शब्द सब मैक्सिमम कमेंट्स में मैंने देख लिया ऑलरेडी कि बहुत लोगों ने यही कमेंट किया है कि आपका घर तो भुलभुलैया है। ये तुमने उन लोग के दिमाग में घुसाया है, पता है मेरे को बहुत अच्छे से हो गया नहीं नहीं हुआ अभी तक। चलो नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट कमेंट इज फ्रॉम श्रावंती पॉल एलवी एटामी पोर्ची पॉल ब्लॉग। पहले देख लो गाइस। ओके नाम बोल दिया है तुमने। श्रावंती पॉल ब्लॉग्स। প্রথমত আমরা তোমাদের পরিবারের সদস্য, তাই আমাদের সামনে এত সংকোচ বোধ করার কিছু নেই। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখি, আজকে নতুন করে অনেক ইউনিক কিছু দেখতে পেলাম, ভালো লাগলো। আর প্রমিতি ভিডিও বড় হলে সমস্যা নেই, আলিদাকে বলে দিও, এভাবে বাধা দিও না প্লিজ। যত বড় ভিডিও হয় তত বেশি ভালো লাগে দেখতে, আর ইউটিউবের মাথা নষ্ট মনে হয়, ভালো কিছু মনে হয় ওদের সহ্য হয় না। তোমরা ভিডিও বানাতে থাকো, আর সবসময় আমরা সবসময় পাশে ছিলাম আর থাকবো। সবসময় শুভকামনা রইল তোমাদের জন্য, তোমরা সারা জীবন আমার দেখা বেস্ট জুটি হয়ে থাকো থাকবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ বেঙ্গলি বেস্ট। থ্যাংক ইউ সো মাচ শ্রাবন্তী, ইটস এ ভেরি সুইট কমেন্ট। অ্যান্ড তুমি যা যা বললে প্রত্যেকটা খুব সত্যি কথা বলেছো, আর থ্যাংক ইউ। ওকে তো না একদম একদম বলতে হয় কে লাস্ট কমেন্টস, ঠিক আছে। লাস্ট কমেন্টস কিয়া হে লামিয়া আক্তার F8V। আমার কমেন্ট নাও না কেন, আমি তোমাদের অনেক বড় ফ্যান, প্লিজ 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 আমার কমেন্টটা নাও। প্রমিতি তুমি অনেক ভালো, লে লিয়া নেক্সট টাইম আগার তুমনে লিখা কে আপ হামারে ফ্যান হো তো হাম নেহি লেঙ্গে। ओके तो गाइस आज के लिए इतना ही, और स्टोरी कैसा लगा ये भी बताना। आप लोगों को स्टोरी नहीं था, ये रियल था गाइस। स्टोरी यू मेड द स्टोरी नो नो ठीक है। ओके तो चलो आज के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब करते रहो।